सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का ब्लॉग करते हैं अपलोड, क्योंकि दो दिनों से ब्लॉग अपलोड नहीं किया हुआ और चूंकि आजकल हासिलपुर के अंदर है ना, तो इसलिए कंटेंट नहीं मिलता भाई, तो इसलिए ब्लॉग वगैरह क्या कहते हैं अपलोड नहीं कर पा रहा ना। तो कंटेंट मिल गया अब हम लोगों को, तो मैंने सोचा अपने सारे व्यूअर्स को अपने पीरज़ादा कोल्ड स्टोर खाजी मोहम्मद शेख पीरज़ादा कोल्ड स्टोर का मैं टूर दूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि जो आप लोग सेब खाते हो, जो आप लोग आलू खाते हो, वो किस तरह, यानी कि जो सेब है वो पीछे से किस तरह बनता है और यहाँ पे आके किस तरह पकता है वो, और आलू का बताता हूँ और नेस्ले वालों की दही खजूर उन सब का आपको आज दिखाऊंगा प्रॉपर कि वो किस तरह उनको फ्रीज करते हैं और क्या उनका प्रोसीजर होता है। तो उसी ब्लॉग करते हैं आज शुरू। आप सब लोग देख लें, इसको कहते हैं कोल्ड स्टोर और इस कोल्ड स्टोर का नाम है हाजी शेर मोहम्मद पीरज़ादा कोल्ड स्टोर। तो वैसे तो हम इसको बुलाते हैं पीरज़ादा कोल्ड स्टोर ना। तो जी ये देख लें, और यहाँ पर सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है। ये सारा आज आपको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको पीरज़ादा कोल्ड स्टोर बनाने में, और कितनी लेबर चाहिए, और कस्टमर्स कैसे मिलेंगे आपको, और ये सोलर कैसे आप लगवा सकते हैं, और इसका कितना यानी बजट लगेगा। तो सारा आज आपको ना प्रोसीजर मैं दिखाता हूँ। पहले ना मैं आपको करवाता हूँ जी टूर। तो टूर इस तरह है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ मशीन वाला रूम, तो जहाँ से ये सारा प्रोसेस चलता है और जिस तरह बटन वगैरह दबा के मशीनें चलती हैं। तो पहले तो ना मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये देख लें जी, ये एंट्रेंस है और जी ये हैं मशीनें, ये सोलर सिस्टम है जी सारा। तो ये देखें, ये सारा यहाँ पे सोलर कंट्रोल होता है, यानी कि सोलर यानी कि जो सोलर बिजली दे रहा है उसको कन्वर्ट करके, और ये सारा सीन होता है। और ये है जी मशीन्स, और ये कमरा नंबर एक है इसके अंदर। तो आपको टूर करवाता हूँ, फ्रिज है बहुत इसके अंदर, ज़्यादा देर रहा तो नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग प्यार इतना दिखा रहे हो तो आपके लिए 10-15 मिनट से लें। ये जी मशीन है, ये आप ऐसे समझ लें कि ना ये ठंड पैदा करने वाली मशीन है, ये फ्रीज़र है एक ऐसे समझ लें, असल फ्रीज़र तो वो है, ये बस उसका इंजन है। ये देखें जी, ये अभी फ़िलहाल बंद है। तो ये देखें इतना बड़ा गैस, ये गैस अल्लाह ना करे, ये इतना बड़ा सिलेंडर है, ये अगर अल्लाह ना करे थोड़ा सा भी लीक हो गया ना, और अल्लाह ना करे ये फट गया, तो ऐसे समझ लें ये पूरा इलाका तबाह हो जाएगा, इतना यानी कि इसके अंदर ऐसी वो डेंजरस गैस है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी जी ये देखें, ये उधर ट्रांसफार्मर पड़ा, इधर प्यारी सी मस्जिद बनाई हुई है, और ये इसका थोड़ा बैक वाला इलाका है, तो ये आप इधर से देख लें। तो ये असल चीज़ है, तो ये आप अक्सर देखते होंगे ना कि भाई आप गुजरते भी होंगे ना, तो ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या पानी चल रहा है और क्या हिसाब है, डायरेक्ट पानी मशीनों को भी दे सकते हैं। तो आज मैं इसका ना आपको बताता हूँ जितना मुझे आइडिया है ना। तो अच्छा पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ना हमारे पास में पहले तो ज़्यादा ट्यूबवेल नहीं है, हम लोग ना इसका पानी बहुत मुश्किल से पूरा करते हैं, लाइक ना पंप चला दिया, बारिश वाला पानी हो गया, TMA से कह के ट्रक मंगवा लिया पानी का, तो इस तरह तो इसका हम लोग ना पानी पूरा करते हैं। ये पहले मैं आपको ना दिखा दूँ सारा ना, ये देखें वो, ये पानी बहुत गंदा है लेकिन अच्छा। अब इसका क्या सीन है जी, अब ये आप लोग के दिमाग में ना बहुत ही ना क्वेश्चनिंग आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है भाई। ये है क्या कहते हैं, ये ना ठंडा करती है मशीन को, ये जो चीज़ें हैं ना इसके अंदर ना गैस आती है, वो अंदर जो मैंने आपको दिखाई है ना, वो गैस इसके अंदर सर्कल करती है, और जब पानी आता है ना इसके ऊपर पड़ता है, तो ये उसको गैस को ठंडा करती है, जिससे ना क्या कहते हैं ठंड पैदा होती है, तो वो फिर ठंड जाती है कमरे के अंदर। बाकी ये ऊपर भी दिखाएँगे आपको, अभी फ़िलहाल ना आपको अंदर से ना टूर करवा दिया। सर जी जा रहे हैं, बाकी व्यूअर्स फाइनली मैं अंदर जा रहा हूँ, तो मैंने वहाँ से स्विच वगैरह ऑन कर लिए, तो अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी होनी है, तो बस ये आप लोगों के लिए ही मैं जा रहा हूँ। ये देखें, ये मशीन चल रही है, ये ऐसे समझ लें कि ठंड को फेंक रही है ऊपर ना। बहुत हैवी मशीन भी है, ऊपर जाके ना प्रॉपर दिखाता हूँ। ये आप ऐसे समझे, ये तो छोटा सा कमरा है ना, अभी तीन कमरे हो रहे हैं, तीन भी नहीं सॉरी चार कमरे हो रहे हैं, और 2 लाख बोरियाँ पड़ी हुई हैं इसके अंदर,
मेरे ख्याल से 2 लाख हैं या 5 लाख हैं। तो जी ये देख लें आप, ये फ्रंट है, ये ऐसे समझे ये 7वीं मंजिल है जहाँ पे मैं आया हूँ, और ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है और मेरा सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा ना, तो नीचे चलते हैं। और बहुत ठंड है, मिठास ज़्यादा। ये देखें कोई पंखा भी नहीं है ना, फिर भी ये हिल रही हैं। इसे आप अंदाज़ा लगा लें, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। बाहर चलते हैं। इसे व्यूअर्स क्या कहते हैं, आलू वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये छोटा आलू पड़ा हुआ है, ये अच्छे वाला आलू पड़ा हुआ है, हर किस्म के आलू पड़े हैं। अच्छा आलू पड़ा है, गंदा आलू पड़ा है, यानी कि हाई क्वालिटी वाला भी है, लो क्वालिटी वाला भी है, मीडियम वाला भी है, हर क्वालिटी की चीज़ पड़ी है हमारे पास। और ये देखें खजूर, ये यानी कि इस इधर स्टोर के अंदर ना हर वो चीज़ आती है जो खाने वाली होती है। तो इधर सेब भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सेब का टूर भी करवाता हूँ, एप्पल जिसे इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ आगे ना। तो अभी भी काफ़ी फ्रूट्स हैं लेकिन हम लोग रखते नहीं हैं, तो अभी फिलहाल कमरे से बाहर हैं क्योंकि ठंड से मेरी हो रही है पैर। तो जी व्यूअर्स, अंदर बहुत ज़्यादा ही ठंड थी और मेरी थोड़ी ऐसी पैर कसम। जी व्यूअर्स, अभी फ़िलहाल जा रहे हैं रूम नंबर 4 में, और ये सबसे बड़ा रूम है, तो इसकी कैपेसिटी मुझे आइडिया नहीं है। कितनी कैपेसिटी है इसकी? इसकी कैपेसिटी है जी 30,000। मैं आपको ऐसे खोल के दिखा देता हूँ, अंदर नहीं जा रहा मैं। ये देखें जी, ये बहुत बड़ा रूम है। तो थोड़ा सा आगे जा के ना आपको दिखा देता हूँ। ये देखें मशीनें चेक करें आप, इतनी हैवी हैवी मशीन्स हैं, करोड़ों रुपए की जी मशीन्स हैं। और ये सबसे बड़ा कमरा है और इसकी कैपेसिटी है जी 30 से 40-50 हज़ार का। जी व्यूअर्स, अब हम लोग जा रहे हैं, मैं आपको ऊपर का टूर करवाता हूँ। तो ऊपर बहुत प्यारा सीन है, एक यानी कि पूरा यहाँ से एक इलाका नज़र आता है, और आपको अपनी सोलर प्लेट्स का भी मैं इंशाल्लाह, मैंने भाई को कह दिया तो वो क्या कहते हैं प्रॉपर वो कर रहे हैं, तो वो आपको गाइड करेगा सारा कुछ ना आज इंशाल्लाह, आपको ना प्रॉपर एक गाइड करेंगे अच्छे से यानी कि ना। और ये देखें आप प्रॉपर व्यू चेक करें, और पैसा लगा हुआ जी बिज़नेस पे। पैसा लगाओगे ना तो आपको रिटर्न में भी बिज़नेस पैसा देता है जी, लाखों लगाओगे तो हज़ारों में मिलेंगे, करोड़ों में लगाओगे तो लाखों प्रॉफिट में। तो अभी हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं ऊपर, और नीचे कमरा भी है। और जी व्यूअर्स, ये देखें, पहले तो आपको दिखाते हैं अपनी सोलर प्लेटें। ये देखें, ये कोई यहाँ पे कोई 2-3 हज़ार सोलर प्लेटें लगी हैं जी। तो ये आपको आज इनका टूर कराते हैं, और हमें तो भाई इन्हीं प्लेट्स ने ही ना बचाया हुआ है। ये देखें जी, ये प्लेट्स हैं सोलर पर ना भाई 40-50 लाख रुपए महीने का बिल आता है, और जो भी प्रॉफिट होता है बिल खा जाता है, फिर बचत नहीं। अभी प्लेटें लगाई हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है माशाल्लाह से। तो जी ये देख लें आप लोग, तो जी ये है फ्लोर मिल, ये मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फ्लोर मिल है जी। तो आगे है जी वो मॉडर्न घी मिल है, ठीक है। तो ये सारे हमारे हमसाए हैं जानने वाले हैं। ये जी कॉटन फैक्ट्री है, और पंप लगा हुआ जी यहाँ पे माशाल्लाह से जी, है प्लेट्स का व्यू। तो अभी चलते हैं जी नीचे हम लोग। ओए होए 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 होए, लेबर के रूम का टूर करवा दिया था, तो अभी करवाते हैं जहाँ पे मेरे वाली साहब बैठते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं, तो आपको उस ऑफिस का टूर करवाते हैं। तो वो ऑफिस है जी, ये पहले तो बहुत प्यारा सीन था, यहाँ पे ना घास वगैरह लगी हुई थी, तो हर चीज़ ना बहुत कमाल की थी। तो अभी फ़िलहाल सोलर लगा लिए, तो अभी फ़िलहाल हर चीज़, अभी भी वो देखे ना सरात हैं घास वगैरह ना, तो अभी बस सोलर वगैरह लगा लिए। तो अभी जाते हैं जी मैनेजर साहब से बात करते हैं। मैनेजर साहब बैठे हैं जी अंदर माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं माशाल्लाह। तो इस्माइल भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह से जी, ये कोल्ड स्टोर संभालते हैं जी हम लोगों का ना। तो आज ज़रा इनसे फिर पूछते हैं कि, और इस्माइल भाई तबीयत से ठीक है आपकी? खैरियत से हैं। तो यार ये मेरे व्यूअर्स ज़रा ना, इनके माइंड्स में ना कुछ सवाल थे थोड़े से, कि कितने पैसे इनकी, इतनी इन्वेस्टमेंट लगती है कोल्ड स्टोर बनाने में, और क्या सीन है, क्या सिनेरियो है, कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास? एक कमरा अगर आप बनाएंगे ना, कमरा
जी जी अच्छा, तो व्यूअर्स आप लोग सुन लें कि अगर आप लोग सिर्फ एक कमरा बनाएंगे ना तो 15,000 बोरी का, तो वो 6-7 करोड़ रुपए का बनेगा। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लेंगे, इधर 4-5 कमरे हैं। तो हम लोगों ने तो चलो 2012-13 में बना लिया था, अभी तो फिर ये तो 1-2 अरब का प्रोजेक्ट फिर बनेगा सर जी, जितना ये बना हुआ है फिर है। तो अच्छा, तो ये मेरे व्यूअर्स को बता देंगे इसका ना मंथली बिल कितना आता है और इसको चलाने के लिए कितनी लेबर चाहिए, ये सारा कुछ भाई। पहले जो आपको भी पता होगा जी, जी तकरीबन 42 लाख सीजन में आता था। जी जी, ठीक है। एवरेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो तकरीबन ना 30 लाख रुपया ना एवरेज हर मंथ बनता है। तो व्यूअर्स जैसे कि ना मैनेजर साहब बता रहे हैं कि पहले 42 लाख रुपीज़ बिल आता था मंथली, तो और 30 लाख से लेकर 42 लाख रुपए तक। तो अभी फिलहाल कितना आ रहा है जी, जब सोलर लग गया? माशाल्लाह सोलर लगा दिया। अच्छा, 430 प्लेट लगी है ऊपर। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। तो ये एक प्लेट है तकरीबन 5 पैसे का। अच्छा, तकरीबन 242 ना केवी का ना लोड पड़ा हुआ है। तो अब सीजन में ना हमें बिल जीरो आ रहा है। तो अभी व्यूअर्स आप लोग देख लें कि 1500 सोलर प्लेटें लगाने के बाद जाके हम लोगों का बिल 0 रुपीज़ आ रहा है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि कोल्ड स्टोर कितनी बिजली पीता है, खाता है, पता नहीं क्या करते हैं, खाते पीते हैं उसे बिजली। ये तो हमारे व्यूअर्स को बताएं ज़रा, क्या कहते हैं ये? जारी सी बात है भाई, खाते हैं भाई, पानी की तरह पीता है कोल्ड स्टोर बिजली ना आपकी। तो 1500 प्लेटें लगाने के बाद जाके फिर 0 रुपीज़ बिल आया, तो फिर हमारी जान छुटी और फिर जाके कोई पैसे आए हैं हमें, कोई थोड़ा से बचने हैं 50-60 हज़ार। तो हाँ, अभी लेकिन इस महीने भी क्योंकि सीज़न वाला था, सामान आया था, आलू सेब आया, तो 7 लाख रुपये फिर भी बिल आ गया, 7 लाख रुपये जी बिल आ गए। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पहले 40 लाख रुपये बिल आता था, अब 7 लाख का कहाँ फिर। अच्छा, तो मेरे व्यूअर्स को ये बताएं कि लेबर वगैरह कितनी चाहिए आपको इसमें और उसका क्या सीन है, उसको आप कितना पे करते हैं? और वो तो भाई इस पर है ना, अगर आपने 2 मिस्त्री रखने होंगे जो ऑपरेटर होंगे ना। अच्छा, मशीनों को ऑपरेट करेंगे जी जी, एक अकाउंटेंट भी होना चाहिए, ठीक है, एक मैनेजर होना चाहिए, उसका का साथ का। जी जी बिल्कुल, उनके ऊपर भी कोई होना चाहिए जो इन्हें चेक करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक जो ऑपरेटर है उनके लिए हेड ऑपरेटर भी होना चाहिए ताकि कोई मशीन को ज्यादा मसला। बिल्कुल ऐसी है जी, बाकी लेबर होती है जो पल्लेदार। बाकी जी व्यूअर्स, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है, जैसे कि ना मशीनों को चलाने के लिए हम लोगों ने ड्राइवर वगैरह रखे हुए हैं जो मशीन्स को ऑपरेट करते हैं ना, तो बाकायदा एक सोलर सिस्टम का सिस्टम उसको भी मैनेज करने के लिए बंदे हैं, तो काफ़ी सारे यानी कि ना चला रहे हैं मिलजुल के। चलते अब 1-2 बंदे तो नहीं चला सकते ना पूरा कोल्ड स्टोर, आखिरकार लेबर की कॉस्ट आती है हर चीज़ निकालने के बाद भी। सही है, अगर आप सोलर पे हो तो आप अच्छा अर्न कर। एक साल में यानी कितना प्रॉफिट दे जाता है हमारा कोल्ड स्टोर, थोड़ा यानी कि ना अब चने अमाउंट ना बताएं आप, चने बता दें गाड़ी कौन सी आ जाएगी जी, यानी कितनी गाड़ियां आ जाएंगी? अगर किसी ने आज के दौर में ना वो कोई और भी कारोबार करना चाहिए, ये तो पहले गले वक्त में हमने लगा लिया था। अच्छा जी जी, माशाल्लाह सही है, लेकिन शुक्र अल्लाह का सही। चले अमाउंट एक बता दें, अब एक अमाउंट नहीं बताएं आप ना, एक गाड़ी बता दें। जी जी बिल्कुल, जो बंदा लगाएगा उसे फिर पता होगा जी। चलें जी व्यूअर्स, अभी फिलहाल हम आपको अमाउंट तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि घर बार निकल जाता है, रोटी भाजी अच्छी बंदा खा लेता है, ठीक है ना, यानी खाना सही निकल जाता है, बच्चे आपके चले अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ लेंगे। ये चले आपको बता देते हैं। बाकी जी आज का ब्लॉग फिर यहाँ पे नहीं करते हैं, एंड घर जाते हैं, आपको अलमदार से मिलवाते हैं, उसके पेपर हैं। तो बाकी कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो बता दें मेरे व्यूअर्स को कि इस दौर में ये इन्वेस्टमेंट कोल्ड स्टोर वाली करनी चाहिए या फिर फ्लोर मिल पे जाना चाहिए या किसी और पे? अगर आप सबसे पहले सोलर है, सोलर लगा लें तो फिर माशाल्लाह ठीक है। अच्छा जी, तो क्योंकि डेली आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे कि ना अब नवाज शरीफ का दौर आया है, क्या कहते हैं शहबाज शरीफ का ना, तो बिजली। व्यूअर्स आज का ब्लॉग करते हैं एंड, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़।